दोनों छोटे छोटे से हैं माशाल्लाह, तो ये झट मंगनी पट ब्याह हुआ, क्या कहानी है आपकी इस रोमांटिक, जो कहते हैं ना कि हम सब तो देख कर हो गए कि क्या ऐसे भी होता है, मतलब चलो लड़कियां तो रोमांटिक होती हैं, लड़के बिल्कुल ही खड़े होते हैं, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, अरे भाई ये वीडियो कौन डालेगा इंटरनेट पर, छोड़ो मैं सिंगल हूँ, मेरी फैन फॉलोइंग है, मैं क्यों बताऊँ कि मेरी शादी होगी, ऐसा भी तो होता है। हाँ हाँ अरे भाई ये तो मतलब ये क्या हो गया, सबको पता चल जाएगा मेरी शादी हो गई है और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं कर रहा। कैसे जीशान, मतलब माशाल्लाह कैसे राजी किया इन्होंने आपको, राजी किया या आपने इन्हें राजी किया कि चलो एक यादगार वीडियो बनाते हैं? बीइंग सिंगर मेरा था कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ तो म्यूजिकल होना चाहिए ना मेरी वेडिंग के अंदर। भाई वीडियो भी तो बना सकते थे ना आपने, एज ए सिंगर वीडियो बना देते। बिल्कुल। आपने अपने रियल पार्टनर के साथ मोहब्बत का इजहार इस तरह किया? एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में हुआ करते थे। अच्छा, आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग कॉलेज में ही करते थे। अच्छा। और वहाँ पर एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसके अंदर डिबेटर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, अच्छा, एक्टर्स, हम सारे लोग कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे अपने, अच्छा, कॉलेज की तरफ से। तो इर्ज़ा एज डिबेटर हमारे पास वहाँ पे आई थी। अच्छा। लेकिन जब ये आई तो मैं प्रेसिडेंट था म्यूजिक सोसाइटी का, तो मैंने ऐसे ही एक दिन इनको गुनगुनाते हुए सुना तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये बहुत अच्छी सिंगर। तो ये कहाँ गुनगुना रही थी बैठ के ऐसे ही? सोसाइटी की हमें एक ऑफिस मिला हुआ था, प्रॉपर हमें एक स्पेस मिली हुई थी जहाँ हम जैमिंग करते थे। याद है क्या गुनगुना रही थी? हाँ, कोई सॉन्ग था, नंबर था कोई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इर्ज़ा तुम्हें याद है क्या गुनगुनाया था, जो सबसे पहले जीशान ने इर्ज़ा को गुनगुनाते हुए सुनाया? मेरा ख्याल है कि वो कोई मिली नगमा था, है ना? कोई कोई नेशनल डे था इस वजह से। लेकिन जब मैंने जीशान को पहली दफा देखा था तो मैंने वो शो में भी सुनाया था जो पहला गाना गा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मैंने इनको देखा था फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैंने इन्हें काइंड ऑफ अप्रोच किया था। हाँ, आपको ये पहले अच्छे लगे या जीशान पहले इर्ज़ा आपको अच्छी लगी? दोनों ने एक दूसरे पहले मुझे अच्छे लगे, लेकिन प्रपोज पहले जीशान ने किया था, प्रपोज मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी हिंट दी थी कि आपको ये कुछ कुछ अच्छे लगे हैं, ये थोड़ा भाग है। हाँ, कैसे कैसे हिंट दी थी, क्या तरीका था? मैंने इनको अप्रोच किया था सोशल मीडिया पर। अच्छा अच्छा, वहाँ पर हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर जाहिर है कि कॉलेज में रोजाना मिलना जुलना तो रहता था, तो वो कोई ना कोई इशारा तो बंदा दे देता है ना। ओके, आंखों आंखों में वो बातें शुरू हुई। मुलाकात के कितने दिनों बाद जीशान और इर्ज़ा की जो है वो प्रपोज कर दिया गया इर्ज़ा को? एक माह के अंदर अंदर। बड़ी झटपट भाई, कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पे बनते।